नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पिछले कुछ सालों से किसी ना किसी कारण की वजह से हमारा आंध्र प्रदेश का टूर डिले हो रहा था, तो हमने सोचा इस बार साल की शुरुआत हम आंध्र प्रदेश विजिट करके करें। पूरा स्टेट एक ही बारी में विजिट कर पाना तो मुश्किल है, तो हमने चुना कि हम विशाखापट्टनम से इस जर्नी की शुरुआत करेंगे और हम विजयवाड़ा तक जाएंगे। दिन की शुरुआत करने के लिए हम पहुंच गए टेनेटी पार्क। हमें किसी ने बोला यहां पर खड़े होकर आप हाइट से बे ऑफ बंगाल का व्यू देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ये पार्क श्री टेनेटी विश्वनाथन के नाम पे है, जिनका यहाँ पर आप स्टैचू देख रहे हैं। विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा स्टील प्लांट बने, इस काम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी सनराइज आधा घंटा पहले हुआ है। हाइट पर खड़े होके हम समुद्र का एरियल व्यू देख रहे हैं। थोड़ा सा वॉक करके ना मैं टेनेटी पार्क के थोड़ा साइड पे आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ से ना समुद्र का नजारा अनऑब्स्ट्रक्टेड है। वहां पर कुछ पेड़ आ रहे थे, तो यहाँ तो वो भी नहीं है। एकदम आप सामने सी देख सकते हो, लवली। ये बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट है। आइए नजदीक चलते हैं। इतना मस्त लग रहा है हाइट पे खड़े होके, बड़ा क्लीन। वहां पर बीच साइड का व्यू आ रहा है, नीचे लोग अपना फोटो शूट कर रहे हैं। आई रियली विश कि हम मॉर्निंग में तो यहाँ पर सनराइज देखते। 5:30 पौने 6 बजे तो बहुत बेहतरीन सनराइज देखने को मिलता। वेदर भी क्लियर है आज तो, अल्टीमेट। ये जो बीच है ना, ये इसको बोलते हैं टेनेटी पार्क बीच। सामने जो शिप दिख रहा है ना, लिखा है MV मा। ये आज से 1 या 1.5 साल पहले टाइफून के दौरान इस तरफ आ गया। तो ये एक्चुअली बांग्लादेश का कार्गो शिप है, उसके बाद क्रू वापस बांग्लादेश चला गया, तब से यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ है। सही है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। सामने स्टेयर्स बनी हुई है, वहां से नीचे उतर के समुद्र किनारे तक चलते हैं। 15-20 मिनट वहां पे बिताएंगे, फिर हम नाश्ता करने चलेंगे। वाइजैक सिटी के जो सी बीचेस है ना, ये पानी के अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर कुछ ही फीट के अंदर एकदम नीचे गहराई है, तो यहाँ तो बस इधर आप रॉक पे खड़े हो, फोटोग्राफी करो, समुद्र की लहरें एंजॉय करो, या सैंड पे चलते चलते आप उस तरफ चले जाओ। आमतौर पे समुद्र किनारे ऐसी जो रॉक्स होती है ना, उनपे बैठ कर फोटोग्राफी करो तो एक अच्छे फोटोग्राफ निकल कर आते हैं। कुछ देर पहले हम वहां पे खड़े होके समुद्र को देख रहे थे, वो सामने देखो लोग खड़े ना वहां पर, अति सुंदर। 10-15 मिनट हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, फिर नाश्ता करने चलेंगे। नाश्ता करने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं वसेना पुली। यहाँ पर मिलेट से बनी हुई इडली और डोसा मिलता है। अच्छा, ऐसा है, मुझे ना 2 इडली लेना है, लेकिन आई वॉन्ट 2 वेराइटीज। वन रागी एंड सेकेंड वन आई विल गिव यू वन फॉक्सटेल। हाँ, फॉक्सटेल इज गुड। सुधीर भाई, ये जो आप इडली बना रहे हो, इसमें जो लीफ है जिसमें इडली को प्रिपेयर किया, ये कौन सा लीफ है? ये तेलुगु में कहते हैं सर बिस्तराकू। ओके, सो इसका भी फ्लेवर होता है? लिटिल बिट सर, थोड़ा बहुत, बट देयर इज नो अल्टीमेट फ्लेवर नहीं सर, बट इट हैज अ टेस्ट। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनी। ओहो, सुधीर भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल कर हमारे साथ बैठ गए। ये फॉक्सटेल मिलेट को हिंदी में कंगनी बोलते हैं। अब जैसा इन्होंने बताया, 3 तरह की चटनी मिली हमें साथ में। ये है लौकी से बनी चटनी, पीनट चटनी और अदरक का चटनी। अ
अदरक का चटनी में ना खटास है, मिर्च है और अदरक का तीखा मन है। मैंने तो टेस्ट के लिए एकदम से ले ली, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि अदरक का चटनी को दूसरा चटनी के साथ मिक्सर रखाओ। मेरे को ना एक बड़ी अच्छी चीज लगी है अदर देन द टेस्ट दैट यू आर यूजिंग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इतना काफी लोग सोचते नहीं इस लेवल से, लेकिन यू आर थिंकिंग दैट डीप एंड डूइंग इट दैट वे, वेरी गुड एक्सीलेंट। तो अब आपकी इडली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, तो आपको कैसा लगता है कि यू स्टार्टेड दिस 4 years बैक ओनली एंड टुडे एवरीवन इन वाइजैग नोज यू एंड इवन पीपल लाइक कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दे आल्सो वांट टू हैव इडली हियर। आई एम डूइंग ऑनेस्टली सर, देयर इज नो एनी एडिंग एनी नथिंग एंड आल्सो वी आर डूइंग नो एडिंग ऑफ बेकिंग सोडा समथिंग एंड दैट्स द मेन रीजन वी आर ऑल नेचुरल इज कमिंग टू मी ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। मैं तो ये देखा है कि यहां पर इडली खाने से खाते समय ना सांभर इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली। एक चीज और बताओ, अभी आपने राइस को मिलेट से रिप्लेस कर दिया, yes, तो दाल तो अभी भी है इसमें, लेकिन इन व्हाट रेशियो लाइक 1:3 सर एवरेज। तो दाल इज लाइक 1/3, दाल इज ओनली 1:1, 3.5 इज ओनली मिलेट। ओके, एंड आल्सो आई एम टेकिंग स्पेशल केयर विद फॉर दाल, नॉट ए रेगुलर वन, आई एम सेलेक्टिंग ए वेरी स्पेशल वन। बहुत डिफरेंट टेस्ट है। देखो मैंने रागी बहुत बार टेस्ट किया डोसा के फॉर्म में भी, और उत्तराखंड में मंडवा की रोटी तो बहुत ज्यादा मैंने खाई थी, लेकिन अभी इडली के फॉर्म में खा रहे हैं ना, बहुत डिफरेंट टेस्ट आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर दाल भी है और अदर डिफरेंट थिंग इज इन्होंने लौकी की चटनी दी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोकोनट चटनी, कोकोनट चटनी आप नहीं बनाते? नहीं सर, बिकॉज कोकोनट चटनी शेल्फ लाइफ इज कम सर। तो आप वेजिटेबल चटनी डेली बेसिस पे चेंज करते रहते? हां सर, डेली बेसिस पे। दिस इज वेरी टेस्टी। मेरे को ये कंगनी मिलेट का भी इडली बहुत पसंद आया और रागी वाला भी बहुत बढ़िया, और सबसे मेन बात यह है ये दो इडली खा ली तो आपका एक तरह से लाइट नहीं हैवी ब्रेकफास्ट हो गया। 2023 मिलेट से ईयर है और अभी जनवरी मंथ है, हम मिलेट से शुरुआत कर रहे हैं साल के। यस सर, हम इस समय सिमाचलम टेम्पल की ओर जा रहे हैं। टेम्पल अभी पहुंचने में हमारे को 1 किलोमीटर का सफर और तय करना है। मैं आपको कि देखिए हिली रास्ता है, मेन रोड से हमने जो डायवर्जन लिया ना हिल के ऊपर आने के लिए, ये टोटल 3.5 किलोमीटर का सफर है और ऊपर पहुंचकर हम टेम्पल विजिट करेंगे और यहाँ से हमारे को वाइजैग सिटी का व्यू दिखाई दे रहा है। हाइट से देख रहे कितना अच्छा लग रहा है ना, वो देखो दूर रोड है। अब इसी से अंदाज लगा लो कि हम काफी हाइट पे आ चुके हैं। सही है, नाइस। मैंने भी नोटिस किया है कुछ लोग बाइक में या कार में भी होते हैं ना, तो साइड में 2-4 मिनट रुककर इस जगह फोटोग्राफी जरूर कर लेते हैं। हालांकि ये कर्व है, ज्यादा रुकना एडवाइजेबल नहीं है, फिर भी अच्छा पॉइंट है। आओ यहां से सीधे आगे टेम्पल को चलते हैं। मंदिर से भी मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ। टेम्पल के अंदर जाना और दर्शन करके बाहर आने में मेरे को 45 से 50 मिनट का टाइम लगा है। यहाँ पर आप भगवान विष्णु के वराह लक्ष्मी नरसिंह अवतार में दर्शन करते हैं। मूर्ति के डायरेक्ट दर्शन नहीं होते क्योंकि मूर्ति सैंडलवुड पेस्ट से कवर्ड है और इतना ज्यादा सैंडलवुड पेस्ट है कि ऐसा लगता है जैसे आप कोई बड़े से लिंग के दर्शन कर रहे हैं। साल में एक दिन उस सैंडलवुड पेस्ट को हटाया जाता है, वो दिन होता है अक्षय तृतीय का, और उस दिन यात्री दूर दूर से मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसा किसी ने बताया मुझे कि अक्षय तृतीय के दिन 1 से 1.5 लाख या 2 लाख यात्री एक दिन में यहाँ पर आते हैं और काफी लोगों को टेम्पल के अंदर जाने को भी नहीं मिलता क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा रहता है। इस स्थान की कथा कुछ इस तरह से है। ऐसा कहते हैं, भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की तपस्या करी। भगवान विष्णु धरती पे इस जगह वैकुंठ धाम से आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी
कि आने वाला युग आपकी पूजा कर सके, इसके लिए अपना कोई विग्रह आप हमें दे दीजिए जिसकी हम सेवा करें और पूजा करें। तो भगवान विष्णु ने यहाँ पर अपना वराह लक्ष्मी नरसिंह अवतार का विग्रह छोड़ दिया। अब भक्त प्रहलाद का समय जब गुजर गया और उसके बाद चोला किंग्स आए, उनको इस स्थान के बारे में मालूम चला और उन्होंने यहाँ पर टेंपल की कंस्ट्रक्शन करी। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मूर्ति में जो दर्शन है वो जॉइंट दर्शन है, भगवान विष्णु के वराह रूप के और नरसिंह रूप के। अब मैं चोला किंग्स के बारे में आपको बता रहा था। 11th सेंचुरी में चोला किंग्स ने यहाँ पर टेंपल की कंस्ट्रक्शन करी और उसके बाद ईस्टर्न गंगा रूलर्स ने मॉडिफिकेशंस करी। अब सोचने की बात कुछ इस तरह से है कि जो टेंपल के अंदर जो स्टोन है इतना सारा, यहाँ से तो बाहर से नहीं समझ में आता लेकिन क्योंकि वॉल बड़ी बड़ी है ना, अंदर बहुत सारा स्टोन से टेंपल बना हुआ है। तो स्टोन कहाँ से आया, क्योंकि इस पूरे 100-200 किलोमीटर के एरिया में स्टोन नहीं मिलता। तो ये बात हम लोग बहुत पुरानी कर रहे हैं, 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस समय स्टोन कहाँ से आया, यहाँ कैसे लाया गया, ये दोनों क्वेश्चन हैं जिसका कोई आंसर नहीं है। मंदिर के अंदर हमें प्रसाद में खिचड़ी मिली, पोंगल, जो कि बहुत स्वादिष्ट थी। जब मैं टेंपल के अंदर था मैंने बहुत सारी पुरानी मूर्तियां देखी, राइट। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लंच हम आज करने का सोच रहे हैं नेल्लोर वारी मेस। विशाखापट्टनम में ऑथेंटिक आंध्रा फूड एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास काफी सारी रिकमेंडेशंस थी। इनमें से एक सजेशन थी NVM। हमें कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला कि अगर आप 12:30 बजे तक नेल्लोर वारी मेस पहुंच जाओगे तो ठीक है, अगर आपको 1 बज गया तो आपको काफी ज्यादा वेटिंग करनी होगी क्योंकि ये जॉइंट काफी ज्यादा फेमस है, स्पेशली वीकेंड्स क्राउडेड रहते हैं। तो हम टाइम पे यहाँ पर पहुंच ही गए। देखिए, रसम, सांबर और बहुत सारे मसाले, ये क्या है? मज्जी का पुलसु मतलब ग्रेवी। इतना तो हमने सीख लिया यहाँ पर आकर, पुलसु बोले तो ग्रेवी, ग्रेट। दाल, अच्छा, दाल को पप्पू बोलते हैं। हाँ, पप्पू बोलते हैं। कॉलीफ्लावर टमाटर करी, ग्रेट। कॉलीफ्लावर टमाटर करी, बनाना बॉइल फ्राई, अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये जो पोड़ी है, हाँ, मसाला, हाँ, एक बार हमें ये बता दीजिए, ये तो कंदी पोड़ी है ना? हाँ, कंदी पोड़ी, ग्रेट। अच्छा, ये आंवला का पिकल है, ग्रेट। सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं और 2 मिनट में सारा फूड सर्व हो गया, तो बेटर रहेगा कि सबसे पहले मैं ना पोड़ी ट्राई करूं, कंदी पोड़ी विद घी, ऐसा ना? मेरे को याद आ गया, पहले मैं हैदराबाद गया था, कंदी पोड़ी को गन पाउडर भी बोलते हैं ना, राइट ना? तो कंदी पोड़ी और घी, अभी ठीक है, बस। ओ, फैंटास्टिक। अगर इसमें घी नहीं होना तो टेस्ट वो नहीं आएगा जो टेस्ट अभी आ रहा है। ये देखिए, कंदी पोड़ी, चना दाल, उड़द दाल, लहसुन, अदरक भी डाला जाता है और कुछ लोग इसमें कोकोनट भी डालते हैं, तो बड़े सारे मिक्स्ड टेस्ट बनकर एक स्वाद बनता है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो बहुत ज्यादा फेमस है, मेरे को बाकी जगह का नहीं पता, थोड़ा सा और लेंगे। वाह, गदर। वैसे सोचने की बात है, इसको गन पाउडर क्यों बोलते हैं? मैं तो सोच रहा था गन पाउडर नाम से लगता है बहुत तीखा होएगा, ऐसा तीखा नहीं है। अगर आपको पता है इसको गन पाउडर क्यों बोलते हैं जरूर बताना। साथ साथ पापड़, पापड़ में थोड़ा सा कुछ मसाला है, हल्का हल्का, बहुत हल्का मसाला, मस्त टेस्ट आ रहा। कड़ी पत्ता का ये पाउडर है। अच्छा, एक चीज हो रहा है, ये लहसुन है जो आप देख रहे हो ना सामने, और लहसुन को ना स्किन के साथ ही इसमें डाल दिया गया, मतलब रोस्ट किया रहेगा पहले। बहुत ही बेहतरीन। जितना मेरे को कंदी पोड़ी के साथ राइस और घी का कॉम्बिनेशन स्वाद लग रहा था ना, उससे भी ज्यादा स्वाद मेरे को ही लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर हल्का हल्का तीखापन है, लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। ओए होए, बेहतरीन। इन दोनों चटनी को ना इडली के साथ और घी के साथ भी खाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी अच्छा स्वाद आएगा।
साउथ इंडिया में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में जब जब मैंने ट्रैवल किया, मैंने देखा है इस प्रकार की केले की सब्जी बहुत पॉपुलर होती है। बनाने का तरीका सबका अलग है, लेकिन ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री और साउथ साइड ऑफ द कंट्री। किसी भी तरह के कोई मसाले नहीं है, जो भी मसाला है ये सेपरेट चटनीज हैं जो हमने पहले टेस्ट करी हैं। बहुत सादगी है इस प्रिपरेशन में। कुछ लोग दाल में यहाँ पर इमली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इमली नहीं है, टमाटर है। रसम दे, रसम। थैंक्स। पहले मैं सोच रहा था रसम को राइस में मिक्स करके टेस्ट करूं, लेकिन ऐसे भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा तीखापन है जैसे रसम में हमेशा होता है। काली मिर्च, धनिया का फ्लेवर आता है और हल्की हल्की इमली की खटास। उफ, गदर। आज तक मैंने ये नहीं समझ पाया, जब आप साउथ इंडिया में हो तो रसम खाने से पहले या खाने के बाद, आप बताना इसका राइट आंसर क्या है। सांभर एकदम गर्म है। टेरिफिक, कमाल है। मैं आपको क्या बताऊं, आज जो जो चीजें मैं टेस्ट कर रहा हूं ना, इतने सारे उसमें मेरे को डिफरेंट टेस्ट एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक के बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक स्वाद है। सांभर के टेक्सचर से तो अब जो समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं कैसा सांभर है, लेकिन मैं टेस्ट करके जरूर आपको बता सकता हूं कि बड़ा ब्रिलियंट टेस्ट है। लवली। आज के मीट में जो चीज मैंने सबसे ज्यादा इंजॉय करी है ना, जिसका टेस्ट नंबर वन पे, ये कड़ी पत्ता का पाउडर है, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। साथ साथ ये भी नंबर वन पे ही है रसम। ओवरऑल फूड एक्सपीरियंस यहाँ पे बड़ा शानदार है। अब धीरे धीरे कुछ लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। चलो फूड फिनिश करके फिर आपको मैं ज्वाइन करता हूँ। विशाखापट्टनम की एमवीपी कॉलोनी में मैं बहुत फेमस स्वीट खाने आया हूँ। ये सामने शॉप है लक्ष्मी गणपति स्वीट्स, और जो स्वीट मैं खाने आया हूँ उसका नाम है बबटलू। और ये होता क्या है बबटलू? चना दाल की स्टफिंग होती है, जैगरी चना दाल। ओके, एक पीस, सिंगल पीस देना। लवली। ये घी है, नाइस। मेरे को बात करके ना इनसे समझ में आ गया, ये जैसे पूरन पोली महाराष्ट्र में होती है सेम चीज है, साइज का फर्क है और थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है टेस्ट के अंदर। बड़ा अल्ट्रा सॉफ्ट है। अच्छा भाई, क्या स्वाद है। सबसे मेन जो बात है ना, लाइव अदर जो कुकिंग हो रही है और आपको गरम गरम सर्व कर रहे हैं, एकदम ऊपर घी डाल के, अंदर गुड़ का मधुर मधुर स्वाद, चना दाल, टू गुड। ऐसे खा लेते हैं। आंध्र प्रदेश आते हो तो वो बट्टू आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, बड़ा गजब टेस्ट है, मेरे को बहुत मजा आया खा के। दिल खुश हो गया।
यारड़ा बीच जाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें तो आरके बीच विशाखापट्टनम से यारड़ा बीच लगभग 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आखिरी के 10 किलोमीटर बड़े मजेदार हैं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ काफी सारी ग्रीनरी और धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से हम गुजर रहे हैं। हम एक ऐसे पॉइंट पे रुके जहां पर खड़े होकर हमने विशाखापट्टनम शहर का व्यू हाइट से देखा, बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे यहां से यारड़ा बीच को जा रहे हैं। फाइनली हम यारड़ा बीच पहुंच गए। यहाँ पर आके ना इतनी मस्त फीलिंग आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत खूबसूरत सी बीच है। 2 से 4 बजे का जो टाइम है ना, इस दौरान थोड़ी सी गर्मी लगती है, गर्मी तो नहीं कह सकते, धूप चुभती है, लेकिन अदरवाइज मौसम प्लेजेंट है, बेहतरीन। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि आप यारड़ा बीच जरूर जाना, आपको अच्छा लगेगा, और फर्स्ट इंप्रेशन यहां पर आके वाकई अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा सी बीच देखिए ना, मेरा मन हो रहा है थोड़ा समुद्र किनारे ऐसा थोड़ा चले, पाँव में पाँव पानी में डालकर। अभी मुझे किसी ने बताया कि पानी के अंदर मत जाना क्योंकि एकदम स्टीप है, मतलब अंदर जाना रिस्की है, थोड़ा बहुत 1-2 फीट पानी के अंदर पाँव डाल के आप चल सकते हो। वाओ लवली। हमें यहाँ पर आए हुए ना 45 मिनट का टाइम हो चुका है, और मैं आपको सच बताऊं इतना मेरे को मजा आया ना, आपको बताता हूँ मैंने पिछले आधे घंटे में क्या क्या किया। पहले तो मैं समुद्र किनारे चल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर मेरा मन हुआ थोड़ा सा भाग के देखा जाए साइड साइड में कैसा फील हुआ, और इतना अच्छा लग रहा था, पानी की लहरें मेरे कदम टच कर रही थी मतलब, और भागते भागते ये भी ना पता ही हमको कि सैंड में जैसे पानी जाता तो स्पॉन्ज जैसा हो जाता है एकदम, इतना आनंद उठाया ना क्या बताऊं, बहुत इंजॉय किया मैंने। इतने नेचर के बीच में एक चीज है जो यहाँ पर खराब है, वो भी बताना जरूरी है। जैसे हम सी बीच की तरफ आए ना, मतलब अभी हम सैंड के ऊपर नहीं आए लेकिन हमने गाड़ी रोकी, तो मेरे को बहुत सारा प्लास्टिक दिखाई दिया, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर पार्टी करी है और प्लास्टिक जी भर के फेंक दिया है। तो ये चीज हम सबको पता है कि यार कितनी गलत है, बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट को इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन अगर लेगी ना तो ये चीज़ें प्रिजर्व रहेंगी। मैं से मन में सोच रहा था जैसे रोड पे जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, मतलब कोई न्यूसेंस क्रिएट करे तो ट्रैफिक पुलिस होती है फाइन करने के लिए, सेम में बीच साइड में फाइन क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। मैंने आज तक अपने देश में कहीं भी सी बीच साइड नहीं देखा किसी को कोई फाइन कर रहा हो, ये चीज़ होती नहीं है। तो ये सब करेंगे ना तभी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि अपने आप से आनी होती तो इस प्रकार से गंदगी नहीं होती। लेकिन एक बात रह रह के मेरे मन में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता ना और मुझे बाद में पता चलता यारड़ा बीच ऐसा है तो मेरे को बहुत दुख होता। सच अ लवली प्लेस। वहाँ पर एक ना रेस्टोरेंट एंड बार है, अभी वैसे हम जा नहीं रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, एक हट जैसा सिस्टम है, तो वहाँ पर बैठकर आप समुद्र का नज़ारा लेते लेते फूड इंजॉय कर सकते हो या बार इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती, तो कुल मिला के अगर आप नेचर लवर हो और आप ऐसे किसी सी बीच आना चाहते हो जो क्राउडेड ना हो या कम क्राउडेड हो, तो दिस इज द प्लेस। अब पानी का रंग ही देखो ना, मतलब आप खुद विजुअल्स में देख रहे हो पानी का रंग कैसा है, सैंड साइड कितनी बढ़िया है। कुल मिला के अगर मैं समअप करूँ तो अगर आप वाइजैग आएंगे यहाँ आपको आना चाहिए, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, राइट। अभी हम रुकेंगे यहाँ 15-20 मिनट, थोड़ा और आनंद उठाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग वापस जाने वाले बैक टू वाइजैक।
लाइट हाउस विजिट करने हम आए थे, सोचा कि बाहर से देख लेते हैं। तो अब मालूम चला कि कल ये रीओपन होने वाला है, 10 दिन की मेंटेनेंस थी, तो बाहर लॉक लगा हुआ है तो बाहर से भी नहीं देख सकते। तो अब हम यहाँ से अपने होटल को चलते हैं, लगभग 1 घंटा लग जाएगा हमको पहुँचने में। अभी के लिए इतना ही, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल का जो हमारा सफ़र है वो होगा अरकू वैली का। मॉर्निंग में हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे और नाइट स्टे हम अरकू में करने वाले हैं, राइट? चलो कमेंट्स करके बताइए आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम।